बेटा तू इतने ध्यान से क्या लिख रहा है? आपके लिए गाना लिख रहा हूँ पापा। अच्छा हमें भी तो सुना। रेडी रेडी? हाँ हाँ। चट देनी मार दे खींच के तमाचा ही रिंकिया के पापा। इतना बढ़िया तो लिखा था। चल भाग यहाँ से। गाना तो बड़ा जबरदस्त लिखा था। जब आपने पहली बार मेरा घूंघट उठाया तो क्या सोचा? दत्त तेरी की ये क्या ले आया मैं? अजी सुनती हो? हाँ जी बोलो। कल ना मेरे सपने में एक लड़की आई थी। वाह क्या लड़की थी। अकेली आई होगी। अरे वाह तुम्हें कैसे पता चला कि वो अकेली आई थी? उसका पति मेरे सपने में आया था ना। भाई। हाँ सुनना। बोलना। तू मेरे लिए क्या कर सकता है? कुछ भी बोल। चाय छोड़ दे। कौन है तू? तुम बिन ऐसे मैं जल बिन मछली। जान मेरी शान हो यार तुम नकली। जान मेरी शान हो यार तुम नकली। साथ मेरे चलते हो आसमान की तरह। साथ मेरे चलते हो आसमान। एक दिन में बहुत अमीर बनूंगा और सिंगल लड़कों के लिए एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और उसका नाम रखूंगा मेरे बाप ने था ना थाया। भाई भाई तेरी गर्लफ्रेंड ने नया बंदा बना लिया। क्या देख? अच्छा हुआ छोड़ दिया इसने रहटल सी शकल की। तू क्यों हंस रहा है? ब्रेकअप तो मेरा हुआ है ना। पर फोन तो टूट गया ना। पर फोन तो तेरा था ना। नहीं वो पापा का था ना। मेरा फोन किसने तोड़ा? पापा इसने। तेरे पिछवाड़े के नीचे से सिम कार्ड दियो। पापा। बेटा चुप रहना। हाँ वर्मा जी बेटा एक एड्रेस लिखना। बोलो। सुभाष गली सी ब्लॉक पौआ पीने आ जाना है भाभी जी को लेकर। आगे थर्ड फ्लोर। ओके बाय। पापा एड्रेस लिख लिया। बोल। सुभाष गली सी ब्लॉक पौआ पीने आ जाना है भाभी जी को लेकर थर्ड फ्लोर। वैसे पापा आप एड्रेस पूछ रहे थे या वर्मा जी की बीवी पर लाइन मार रहे थे? नालायक कहीं का। पर मैंने गलत क्या लिखा? मुबारक हो भाई साहब आपके लड़की हुई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब बोल दो कि ये झूठ है। अबे कैसा इंसान है तू लड़कियों से इतनी नफरत करता है? तू जैसे इंसान को तो रोड पे पीटना चाहिए। ए, देख क्या रहे हो मार इसको। अरे डॉक्टर साहब। अरे मुझे लड़कियों से नफरत नहीं है मेरा तो जीजा भरती है। आदमियों का कैसे लड़की हो सकती है? डॉक्टर साहब मेरी बहू एडमिट है लड़की उसके हुई है इन्हें तो हम जानते भी नहीं। भाभी जी ये प्रसाद इतना कड़वा कड़वा क्यों लग रहा है? हाँ भाई सब कड़वा तो मुझे भी लग रहा है। क्यों सखी ये प्रसाद इतना कड़वा कड़वा क्यों लग रहा है? अरे बेवकूफ हो वह सैनिटाइजर था हाथ धोने के लिए दिया था प्रसाद खाने के पहले।